हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों, मैं साल्ट ट्रिक में आपका स्वागत करते हैं। आइए हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है। दो क्रमागत संख्या दी गई हैं, उनके वर्गों का अंतर कितना है? 37 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आइए इनका सोल्यूशन जानते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर कह रहा है अगर 37 है, ठीक है दोस्तों, वर्गों का अंतर कुछ भी कह सकता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, वर्गों का अंतर है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जो अंतर कह रहा है वो 37 है। तो दोस्तों क्या है कि इनका अंतर है 37, ओके दोस्तों। तो इसको हम बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम इसमें 1 ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, 38/2 = 19। तो 19 क्या हो गई हमारी, बड़ी संख्या हो गई दोस्तों। तो इसका आंसर समझ गया, आंसर तो इसका आप बी हो गया दोस्तों। अगर यहीं पे कह रहा है दो क्रमागत संख्याओं का अंतर के वर्गों का अंतर 37 है और हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 37 में 1 माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 36/2 = 18। तो छोटी संख्या जो होगी वो क्या हो गया जाएगा आपका, 18, ओके दोस्तों, समझ गए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है। वर्गों का अंतर इसमें कह रहा है, ठीक है, वर्गों का अंतर 100 है, क्रमागत है, वर्ग संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं हैं, तो इसका वर्ग कह रहा है, तो क्या करेंगे हम, अंतर कितना है इसमें, 100 का है दोस्तों। क्या कौन सी संख्या ज्ञात करने कह रहा है, कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करेंगे हम, 100 में 4 ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, ओके दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा, 104/4, ओके दोस्तों। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 26, ओके दोस्तों। तो हमारा बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 26। अगर यहीं पर छोटी से छोटी संख्या कह रहा होता, ये क्या है, ये दोस्तों, और छोटी से छोटी संख्या अगर कह रहा है तो क्या करेंगे, 100 - 4/4 हो गया 96/4, इसका आंसर हो जाएगा 2/1 = 2/4 = 24, ओके दोस्तों। 4 × 2 = 8, 1 = 4, 4 = 16, ओके दोस्तों। तो ये क्या है, छोटी से छोटी संख्या दोस्तों। अगर क्वेश्चन समझ में आए हो या ट्रिक आपको पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।